जिस चीज का फैंस को डर था वही हुआ, इंडियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 209 रन से जीत लिया है और बन गए हैं टेस्ट के नए चैंपियंस। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने आई थी और उन्होंने 469 रन बनाए थे, जहां पे बल्ला चला था स्टीव स्मिथ का और ट्रैविस हेड का। स्टीव स्मिथ ने 121 रन बनाए थे और ट्रैविस हेड ने 163। एलेक्स कैरी ने भी 48 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली थी। जब इंडिया की टीम बैटिंग के लिए उतरी तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, चारों ही बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर की पारियों के चलते इंडिया ने फॉलो ऑन बचा ली थी और बना दिए थे 296 रन। जब ऑस्ट्रेलिया वापस बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उन्होंने 270 रन बनाए और उन्होंने 8 विकेट्स गवा के अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया था। और भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए थे 444 रन। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी स्टार्ट दे चुके इंडियन टीम को, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल की विकेट गिरी उसके बाद लगातार भारतीय टीम ने विकेट्स खोई। रोहित शर्मा ने 43 रन बनाए, शुभमन गिल ने 18 रन और चेतेश्वर पुजारा ने 27 रन। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे से उम्मीदें थी आज के दिन में, लेकिन विराट कोहली ने 49 रन बनाकर अपनी विकेट गवा दी थी और अजिंक्य रहाणे भी 46 रन बनाकर आउट हो गए थे। और बाकी सभी बल्लेबाज इस मैच में फ्लॉप रहे और भारतीय टीम सिर्फ 234 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो स्कॉट बोलिंड ने सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट चटकाई, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट ली और नेथन लायन रहे हीरो, जिन्होंने 4 विकेट चटकाई और एक बार फिर इंडियन टीम पर अपना दबदबा बनाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम का हारने का कारण क्या था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।